हेलो एवरीवन टुडे टॉपिक इज़ कार्डियोटोकोग्राफी सीटीजी रिकॉर्ड द फीटल हार्ट रेट विद यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल हार्ट रेट विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ रिकॉर्ड करना ही सीटीजी होता है इसके दो टाइप्स होते हैं फर्स्ट एक्सटर्नल सेकंड इंटरनल तो फर्स्ट एक्सटर्नल देखते हैं फोर एंटीपार्टम सर्विलेंस एंड इंट्रापार्टम सर्विलेंस एक्सटर्नल टोकोग्राफी होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर फीटल हार्ट रेट एंड यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को असेस करता है कंटिन्यू ट्रेसिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट ओके The transducer are placed on maternal abdomen before applying jelly on transducer. External CTG जी में क्या होता है कि दो ट्रांसड्यूजर होते हैं एक होता है जो फिटल हार्ट रेट को assess करता है एंड दूसरा यूटेराइन contraction को तो जो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को assess करता है वो अमलाइकस से थ्री फिंगर ऊपर प्लेस किया जाता है मेटरनल एबडोमन के एंड सेकेंड जो फीटल हार्ट रेट को असेस करता है उसको उसको प्लेस करने से पहले हम फीटल हार्ट रेट को फीटल हार्ट रेट को सुनेंगे या फिटोस्कोप से या फिर डोपलर से फीटल हार्ट रेट को सुनने के बाद में ट्रांसड्यूजर पर जेली अप्लाई करके उसको प्लेस करेंगे ठीक है सेकेंड होता है इंटरनल सीटीजी इन लेटर आफ्टर मेमब्रेन आर रप्चर एंड डिलीवरी विल बी स्टार्टेड इंटरनल सी कब करते हैं डूरिंग डिलीवरी या फिर मेमब्रेन एमनियोटिक मेमब्रेन के रपच्चर होने के बाद में द ट्रांसड्यूजर डायरेक्ट पुट ऑन फिटल स्कॉल्प इसमें एंड अदर ट्रांसड्यूजर इन यूटेराइन केविटी इसमें जो फिटल हार्ट रेट को असर करेगा ट्रांसड्यूजर वो फिटल इस्काल्प पे फिक्स किया जाता है एंड सेकेंड ट्रांसड्यूजर यूटेराइन केविटी में पुट किया जाता है ठीक है मोस्ट एक्यूरेट और ये इंटरनल सीटीजी एक्सटर्नल सिटीजी से ज़्यादा एक्यूरेट है रिकॉर्ड टू थिंग्स आर फीटल हार्ट रेट एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ठीक है अब देखते हैं बेस लाइन हार्ट रेट आफ्टर थर्टी वीक वन टेन टू वन सिक्सटी बीट पर मिनट बेस लाइन फीटल हार्ट रेट क्या होती है आफ्टर थर्टी वीक के बाद में वन टेन टू वन सिक्सटी बीट पर मिनट होती है इफ फिटल हार्ट रेट लेस देन बीट पर मिनट कोल्ड ब्रेडिकार्डिया इफ हार्ट रेट फिटल हार्ट रेट लेस मोर देन वन सिक्सटी बीट पर मिनट कोल्ड टेकि कार्डिया इट डिटरमाइन ओवर टेन मिनट ओके अब देखते हैं नेक्स्ट बेसलाइन वेरिएबिलिटी क्या होती है बेसलाइन वेरिएबिलिटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव बीट पर मिनट इज ए साइन ऑफ फीटल वेलबिंग जो बेसलाइन फीटल हार्ट रेट है उसमें फाइव टू ट्वेंटी फाइव बीट पर मिनट की वेरिएबिलिटी फीटल वेल्बिंग को इंडिकेट करती है लेस देन फाइव बीट पर मिनट फीटल हाइपोक्सिया स्लीप फेज एंड कंजेनाइटल मालफोर्मेशन एंड लेस देन फाइव बीट पर मिनट अगर हो तो ये यह हाइपोक्सिया स्लीपिंग फेज या फिर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन को इंडिकेट करेगा थर्ड देखते हैं एसिलेशन फिटल हार्ट रेट इंक्रीज बाई फिफ्टीन बीट पर मिनट एंड मोर देन फिफ्टीन सेकेंड एसेलरेशन क्या होता है फिटल हार्ट रेट का इंक्रीज होना फिफ्टीन बीट पर मिनट से एंड फिफ्टीन सेकेंड से ज्यादा इट इज अ साइन ऑफ फिटल वेलमिंग ये फिटल वेलमिंग का साइन है एंड न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी इंटेक्ट फोर्थ है डिसलेशन डिक्रीज इन फिटल हार्ट रेट बिलो द बेस लाइन फिफ्टीन बीट पर मिनट इट फॉर फिफ्टीन सेकेंड डिसलेसन क्या होता है फीटल हार्ट रेट का डिक्रीज होना बेस लाइन से 15 बीट पर मिनट बिलो एंड इट फॉर 15 सेकंड एंड यह 15 सेकंड के लिए होता है एंड डिसन के थ्री टाइप होते हैं पहला होता है अर्ली डिसलेसन दूसरा होता है लेट डिसन एंड थर्ड होता है वेरिएबल तो फर्स्ट देखते हैं अर्ली डिसन इज फिटल हार्ट रेट बिगिन टू स्लो डाउन एट द बिगनिंग ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन फिटल हार्ट रेट रिटर्न टू नॉर्मल बिफोर द कॉन्ट्रेक्शन पास ऑफ जो फिटल हार्ट रेट होती है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है ठीक है जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा फीटल हार्ट रेट स्लो स्लो डाउन स्टार्ट हो जाएगी एंड एंड कॉन्ट्रैक्शन जब चला जाएगा पास ऑफ हो जाएगा उसके बाद में फीटल हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं जब यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन पीक पर है उस समय डिसलरेशन हो रहा है इट इज कोज बाय हेड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर यह लेबर के टाइम पे मोस्ट कॉमनली देखा जाता है एंड ये फिटल के हेड कंप्रेशन के कारण होता है सेकेंड है लेट डिसलरेशन। डिसलरेशन स्टार्ट आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन इसमें कॉन्ट्रेक्शन जो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन है वो जब कॉन्ट्रैक्शन चला जाता है उसके बाद में डिसलरेशन स्टार्ट होता है यानी कि कॉन्ट्रेक्शन के पास होने के बाद में फिटल हार्ट रेट स्लो होना स्टार्ट हो जाती है इट इज़ कोज बाय प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, यह प्लासेंटल इनसफिशिएंसी के कारण हो सकता है कि फीटस को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही हो थर्ड है वेरिएबल डिसलेशन इट नॉट रिलेशनशिप विद कॉन्ट्रेक्शन इसका यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता है ठीक है

अदर डिसरेसन के बारे में जिसमें फर्स्ट है प्रोलोंग्ड डिसन द नॉर्मल डिसन इज फॉर फिफ्टीन सेकेंड एंड 15 बीट पर मिनट बट इन दिस इंक्रीज बट इन दिस मोर देन टू मिनट जो नॉर्मल डिसलेशन होता है वो फो फिफ्टीन सेकेंड के लिए होता है लेकिन इसमें मोर देन टू मिनट के लिए भी होता है और टू टू 10 मिनट के लिए हो सकता है ये इफ डिसन इज कंटिन्यू फॉर मोर देन टू मिनट शिफ्ट ऑफ बेस लाइन फिटल हार्ट रेट अगर डिसन अगर कंटिन्यू रहता है दो मिनट या उससे ज़्यादा तक तो बेसलाइन फिटल हार्ट रेट शिफ्ट हो जाती है उसको रेडिकार्डिया बोलते हैं इसका कोज क्या है हाइपोटेंशन और है pattern, stable, -like इसमें and होती है. एक जैसा पैटर्न बनता है इसमें फीटल हार्ट रेट का एंड साइकिल फ्रीक्वेंसी थ्री टू फाइव पर मिनट इसमें साइकिल फ्रीक्वेंसी थ्री टू फाइव पर मिनट होती है मतलब वन मिनट में थ्री टू फाइव साइकिल फ्रीक्वेंसी होती है फॉर मोर देन ट्वेंटी मिनट ठीक है और इसमें कोई एसेलरेशन देखने को नहीं मिलता इसका कॉज क्या होता है फिटल एनीमिया सीवियर हाइपोक्सिया एंड सीवियर एसिडोसिस ओके ये देखिए ये है एक्सटर्नल सीटीजी जिसमें एक एक ट्रांसड्यूज़र है वो फीटल हार्ट रेट को असेस कर रहा है और दूसरा ट्रांसड्यूज़र वो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को असेस कर रहा है और ये सीटीजी मशीन इसमें से ग्राफ पेपर आ रहा है ये है इंटरनल मॉनिटरिंग जिसमें फीटस के स्काल इलेक्ट्रोड अटैच है यह है सीटीजी मशीन जिसके मॉनिटर पे फीटल हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्शन रेट शो हो रही है यह जो 126 है ये फिटल हार्ट रेट है ये है नॉर्मल सिटीज़न स्कैन जिसमें ये फिटल हार्ट रेट है और ये जो नीचे वाली वेव है ये यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है ये है अर्ली डिसन और लेट डिसन ये अर्ली डिसन में क्या हो रहा है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ही ये फिटल हार्ट रेट स्लो हो रही है एंड लेट डिसन में यूटेर कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते ही फिटल हार्ट रेट स्लो डाउन हो रही है यह है वेरिएबल डिसलेशन जो वेव आपको दिख रही है वो कॉन्ट्रेक्शन रेट के साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं हो रहा यह है लॉन्ग डिसलेशन ये है सिनोसोइडल पैटर्न